नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। व्यापार महासंघ के चुनाव में दंगल होना तय। अध्यक्ष के लिए 4 दावेदारों सहित कुल 24 नामांकन पत्र हुए दाखिल। जी हां, व्यापार महासंघ चुनाव में नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन अध्यक्ष के लिए 4 नामांकन पत्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 3, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4, महामंत्री के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 3, सहमंत्री के लिए 4, उपमंत्री के लिए 3 समेत कुल 24 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। निर्वाचन अधिकारी निर्मल कुमार जैन द्वारा प्रेस नोट में बताया गया कि प्रस्तुत सभी आवेदन वैध पाए गए। 4 फरवरी तक अगर कोई भी दावेदार अपना नाम वापस ले सकता है तो बचे हुए दावेदारों के लिए 9 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। मतदान के उपरांत ही मतों की गिनती करके परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतिम समय तीसरी पैनल के मैदान में आने से नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। वहीं सभी दावेदार व्यापारियों के हितों के लिए जीने मरने की कस्में खाते दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ये कस्में चुनाव तक सीमित रहती हैं या चुनाव के बाद भी याद रहती हैं। अभी तो कुल 190 मतदाता 9 फरवरी को अपने व्यापार जगत का नेता चुनेंगे। विदिशा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। हितों की रक्षा के लिए शुरू से लड़ता आया हूं, अनाज चलन व्यापारी संघ के लिए लड़ता रहा हूं। अब पूरे नगर के व्यापारी मेरे पर विश्वास जता रहे हैं तो उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उनकी समस्याएं, उनके घर घर जाकर उनकी समस्याएं दूर करने के प्रयास करूंगा। सबके सहयोग से व्यापारियों को सुदृढ़ और मजबूत बनाऊंगा। पैनल ने पिछली बार भी व्यापार महासंघ चुनाव में विजयी हासिल किया था और व्यापारियों के लिए जो भी संघर्ष बन पड़ा वो पूरे दम से किया। उनकी हर लड़ाई में व्यापारी एकता पैनल हमेशा साथ रही, व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, और आगे भी यही प्रयास रहेगा। व्यापारियों के हितों के और सम्मान के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी एकता पैनल का उद्देश्य है। तो नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 अध्यक्ष के लिए हैं और 3 महामंत्री के लिए हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 3, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4, कोषाध्यक्ष के लिए 3। क्या प्रक्रिया है, कब तक आवेदन वापसी की तारीख है? और आवेदन वापसी की तारीख 4 तारीख तक है, शाम को सायंकाल 4 बजे तक की है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार मतदान 9 फरवरी को होगा, उसी दिन मतगणना होकर उसकी घोषणा की जाएगी। सभी आवेदन वैध पाए गए जो 24 आए थे वो सभी